हेलो मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति ज्ञान गंगा सागर में स्वागत है। आज हम जानें कि कैसे चंद्रमा ने अपनी रोशनी गंवाई और किनकी कृपा दृष्टि से उन्हें अपनी रोशनी वापस मिली। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था। विवाह के समय उन्होंने चंद्रमा के सामने शर्त रखी थी कि वह अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ समान व्यवहार करेगा। चंद्रमा एक एक रात अपनी हर पत्नियों के महल में बिताता था, लेकिन अपनी रोहिणी नाम की पत्नी से वह सबसे अधिक प्यार करता था। जिस रात को वह रोहिणी के महल में जाता था, उस रात वह सबसे अधिक चमकता था। उसकी शेष पत्नियों को यह बात बुरी लगने लगी। उन्होंने अपने पिता से इनकी शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वह अपनी चमक खो देगा। दिन में सूरज चंद्रमा को अपनी दिव्य प्रकाश देता, रात में चंद्रमा दिव्य पेय सोम पीता था, जो कि देवताओं का पेय था। दक्ष के श्राप के कारण देवता अपनी शक्ति का स्रोत खो बैठे। वे सहायता के लिए ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रमा ने 1 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया। आज भी चंद्रमा सिर्फ कुछ रातों में ही चमकता है। धन्यवाद।